वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम बनाते हैं बाजरे के आटे के डोसे, उत्पम, चिल्ला, आप जो कहना चाहे। तो चलिए एक बड़ा सा बोल लेते हैं। बोल में आप अपने हिसाब से बाजरे का आटा ले लीजिए। मैं तीन जनों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने ये वाले जो चम्मच हैं तीन लिए हैं। आप देख लीजिएगा आपको जितना भी चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, दो पिंच के करीब हींग। अगर आपके पास करी लीव्स हैं तो आप करी लीव्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं क्रश करके करी लीव्स डाल दूंगी और स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। अब इसमें मैं दो चम्मच या तीन चम्मच के करीब दही डाल के, थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लूंगी, मिक्स कर लूंगी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट होने छोड़ दूंगी। तो मैं ढक दिया इसको। दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ये हमारा अच्छे से तैयार हो गया है बैटर। तो अब मैं एक तवा गर्म होने के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड्स वैसे तो नॉनस्टिक पे बनाएंगे तो नहीं ज़रूरत है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा तेल या घी, जो भी कुछ आपको लगाना है मैं वो लगाऊंगी। मैं घी लगाना चाहती हूँ, मैं घी लगा रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल लगा सकते हैं। लगा के जैसे हम चिल्ले के लिए फैलाते हैं वैसे ही हम फैलाएंगे गोल गोल, और पहले तेज रखेंगे, फिर फैलाने के बाद में एकदम से स्लो कर देंगे, एकदम स्लो कर देंगे सिम पे, और फिर इसको साइड से सिकने के लिए देखेंगे। आपको अपने आप ही दिख जाएगा, जब साइड से सिकने लगेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि पलटना है। बीच बीच में थोड़ा घी तेल आपको जो लगाना है वो लगाते रहिए। ये देखिए मुझे लग रहा है सिक गया है, तो फ्रेंड्स अब मैं इसको पलट लूंगी। ये आराम से पलट जाएगा फ्रेंड्स, आपको उतना वो सोचने की जरूरत नहीं कि पता नहीं पलटेगा कि नहीं पलटेगा, आराम से पलटेगा। जैसे आप उत्पम या चिल्ला बनाते हैं वैसे ही पलटेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स दूसरी तरफ से भी मेरा ये बाजरे के आटे का उत्पम या डोसा जो भी आप बोलें वो सिक चुका है। मैं थोड़ा सा और सेक लूँगी। चलिए मैं दूसरा एक और लगा दिया है, ऐसे मैं बाकी भी बना लूँगी। और अब मैं अपने बेटे के लिए प्लेट में तैयार कर रही हूँ, उसको भूख लग गई, वो मांग रहा है। तो ये देखिए मैंने सॉस और हरी चटनी के साथ उसको दिया है, ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप बनाइए, खा के देखिए। लोग सोचते हैं कि बाजरा बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, पर एक बार इस तरह से इडली बना के, उत्पम बना के और ऐसे वेरिएशंस डाल के आप अगर बनाएंगे तो वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए मैं और दो तीन आपको बना के दिखा देती हूँ। जब आपको लगे कि दोनों तरफ से सिक चुका है तब आप इसको निकाल लीजिए। ये देखिए अच्छे से प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स बाजरा बहुत हेल्दी होता है, ग्लूटेन फ्री होता है और वेट वॉचर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठंड में तो वैसे ही खाया जाता है बाजरा, राजस्थान में स्पेशली बाजरा खाया जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी वेरिएशंस आप कीजिए फ्रेंड्स, अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये मैंने एक और बनाया आपके लिए, ये अभी सिका नहीं है। देखिए साइड से आपको जाली जाली में से दिख रहा होगा, सिका नहीं है, इसमें कलर आने लग जाएगा तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स अब थोड़ा थोड़ा सा कलर अब आने लगा है। अब मैं इसको पलट लूंगी। फ्रेंड्स आप बाजरे का डोसा बनाइए। मैं इजी कुकिंग मेरे चैनल पे इसीलिए बताती हूँ ताकि सब लोग इजीली हर चीज बना सके, खा सके। फ्रेंड्स खाना बनाना इतना टफ नहीं है जितना कई बार लोगों को लगता है। मैं इसीलिए इतना इजी बनाने की कोशिश करती हूँ कि हर कोई बनाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बनाइए और बना के मुझे बताइए कि कैसा बना, आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, और मुझे आप अपने सजेशंस देते रहिए कि मैं और क्या बना सकती हूँ। फ्रेंड्स आप लोग भी मुझे थोड़े से आइडिया दीजिए तो मैं बनाऊंगी अपने इस पे चैनल पे, बना के आपके नाम के साथ मेंशन करके मैं डालूंगी। ये देखिए बन चुका है फ्रेंड्स, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत यमी लग रहे हैं फ्रेंड्स, खाने में भी उतने ही अच्छे हैं।
तो अब जल्दी से, देर किस बात की है, फटाफट जाइए किचन में, बाजरा है आटा, उसको